इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी ब्रीफिंग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 लोग चांद पर चले हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों के बीच के विशाल डिस्टेंस में केवल एक ही आदमी चल पाया है, वो है फिलिप पैटिन। द वॉक एक ट्रू स्टोरी है। फिलिप पेरिस में एक स्ट्रीट परफॉर्मर है, वो अपने परफॉर्मेंस में बिना कुछ बोले परफॉर्म करता है, हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता है, एक सर्कल खींचकर उसी के अंदर परफॉर्म करता है और पुलिस को देखते ही वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पास स्ट्रीट परफॉर्मेंस की परमिशन नहीं है। फिलिप बस स्ट्रीट्स पर जगह सर्च करता रहता है जहां वो अपनी वायर लगाकर परफॉर्म कर पाए। एक दिन परफॉर्म करते ऑडियंस की दी हुई हार्ड कैंडी खाकर उसका टूथ डैमेज हो जाता है और वो जल्दी से डेंटिस्ट के पास भागता है। वहां के वेटिंग रूम में वो एक मैगजीन में वर्ल्ड के टॉलेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स के बारे में देखता है। ये टावर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिलिप का ड्रीम है एक दिन वो इन टावर्स के बीच एक टाइट रोप लगाकर उनपे वॉक करे। फिलिप अपने घर जाता है और फ्लैशबैक में अपने बचपन का दिन याद करता है जब वो 8 साल का था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक वाई वॉकर को देखा था। उसके बाद उसने रोप पर वॉक करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। वो हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता। इस प्रैक्टिस के साथ उसमें क्लाइंबिंग और बैलेंसिंग स्किल्स आ गए और अब वो जगलिंग करना सीख गया था। एक रात फिलिप उसी सर्कस में चला जाता है जहां उसने ये रोप वॉक पहली बार देखी थी। जैसे ही वो बिग टॉप रोप वॉक स्टार्ट करता है, उसे पापारेडी आकर नीचे उतरने को कहता है। फिलिप भागता है और फिर जगलिंग करने लगता है। पापारेडी उसके स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस होता है। पापारेडी इस सर्कस में वायर वॉक, एक्रोबेट और जगलिंग करता है और उससे बेहतर कोई नहीं है। वो फिलिप को अपने घर बुलाता है, लेकिन फिलिप सर्कस में काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पापारेडी ये सुनते ही उसे भगा देता है। उधर फिलिप के फादर भी उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि उनको वायर वॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिलिप स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने लगता है। वहीं उसे एक स्ट्रीट म्यूजिशियन एनी मिलती है। वो दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिलिप एनी को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। एनी उसकी काफी सपोर्ट करती है। उसे एक आर्ट स्कूल के पार्क में ले जाती है जहां फिलिप अपनी रोप वॉक की प्रैक्टिस कर सकता है। अब एनी और फिलिप में एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है। फिलिप एनी को रोज मिल भी सकता है और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। फिलिप को एक फोटोग्राफर जेन लुइस मिलता है। फिलिप की उससे दोस्ती हो जाती है। उसे भी वो अपनी ड्रीम के बारे में बताने लगता है। उसे बताता है कि वो अमेरिका जाकर रोप वॉक परफॉर्मेंस करने वाला है, लेकिन उसके पास इसकी कोई परमिशन नहीं है। बिना किसी को बताए चोरी से रोप्स को बांध कर वो एक इलीगल सरप्राइज वॉक करने वाला है और ये वॉक आर्टिस्टिक कूप ऑफ द सेंचुरी कहलाएगी। बात करते ही फिलिप का रोप टूट जाता है और वो गिर जाता है। जेन इस पर कहता है अगर ऐसा ही ट्विन टावर्स पर वॉक करते हो गया तो वो एक आर्टिस्टिक डिजास्टर ऑफ द सेंचुरी बन जाएगा। फिलिप अब पापारेडी के पास जाता है। उसे रोप टाइंग के साथ रोप वॉक की टिप्स ट्रिक्स सिखाने को कहता है। बदले में वो उसे पैसे देने वाला है। इस पर पापारेडी अग्री हो जाता है। पापारेडी उसे बहुत सी एडवाइस देता है और टिप्स देता है। पापारेडी फिलिप को एक विलेज में स्प्रिंग फेस्टिवल पर रोप वॉक करने का चांस भी देता है। फिलिप वहाँ रोप वॉक करते वहां के लोग फिलिप का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिलिप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बैलेंस लूज कर लेता है। फिलिप पानी में गिर जाता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस फेल होने पर फिलिप को बहुत बुरा लगता है। अब फिलिप नॉटर डेम टास पर वायर वॉक करना चाहता है। जेन की सपोर्ट से फिलिप रात में ही रोप टाई करता है। मॉर्निंग होते ही फिलिप वॉक करता है। ये फिलिप की पहली सक्सेसफुल लेकिन इलीगल वायर वॉक होती है। फिलिप को अरेस्ट कर लिया जाता है। जर्मन, स्पेन, इंग्लैंड और रशिया के न्यूज़पेपर्स फिलिप को एक बेहतरीन कलाकार मानते हैं, लेकिन फ्रेंच में वो एक अपराधी है। एनी उसे वही न्यूज़पेपर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टास की फोटो दिखाती है जो फिलिप का सपना है। पापा रेडी फिलिप को वॉक करते सेफ्टी क्लोथ्स पहनने को कहते हैं और रोप पर 3 बोल्ट्स लगाने को कहते हैं। फिलिप को कुछ पैसे भी देते हैं। ये वही पैसे होते हैं जो फिलिप ने पापा रेडी को दिए थे। जेन जेफ को लेकर आता है। जेफ एक स्कूल मैथ्स टीचर है और उसे हाइट से बहुत डर लगता है। वो अब एरो के साथ केबल को दूसरे टार तक ले जाने का प्लान बताता है। वॉक को विंटर होने से पहले और टार वर्क कंप्लीट होने से पहले करना होगा। अब रोप वॉक का दिन डिसाइड किया जाता है और दिन डिसाइड होता है 6 अगस्त।
अफिलिएट टास्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है, लिफ्ट्स के बारे में जानकारी लेता है, सामान लोड करने वाले ट्रक्स कितने बजे आते हैं, कितने बजे रुकते हैं पता लगाता है, टास्क के आपस का डिस्टेंस पता लगाता है, सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। एक दिन फिलिप के पैर में एक कील आर पार हो जाता है। फिलिप को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो बस अपने प्लान के बारे में सोच रहा है। उस टार में अब ऑफिस भी सेटअप होने लगे हैं। फिलिप को टार में जाते लिफ्ट में एक आदमी पहचान लेता है। वो जानता है कि फिलिप एक डेयर डेविल रोप वॉकर है। उस आदमी का नाम है बैरी ग्रीनहाउस। बैरी 82nd फ्लोर पर लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस में काम करता है। वो भी इस काम में फिलिप का साथ देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपकीपर जेपी भी उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। एल्बर्ट एंड स्टोनर डेविड फोटोग्राफर्स हैं, वो भी आकर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। फिलिप एक रात पहले सो नहीं पाता क्योंकि उसको टावर्स पर 7 बजे पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर वो पहले नहीं पहुंचा तो उसे रोप पर चलने नहीं दिया जाएगा। टाइट सिक्योरिटी से बचते ये लोग किसी तरह टार के टॉप पर पहुंच जाते हैं। 3 आवर डिले के साथ जेफ और फिलिप टार पर रोप को बांधना स्टार्ट कर देते हैं। रोप टाई करते दिन हो जाता है, बहुत मुश्किल काम होता है, अभी भी वायर फिक्स नहीं हुई होती, दिन हो जाता है और सामने व्हील घूमने लगता है। इसका मतलब है कि कोई लिफ्ट से ऊपर आ रहा है। ये लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। चुपचाप एक आदमी आता है और उनको देखकर वहां से चला जाता है। अब फिलिप वॉक स्टार्ट करने लगता है। वॉक स्टार्ट करने के लिए फिलिप कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है, लेकिन वो चेंज करने के लिए कहीं नहीं जा पाता। कॉस्ट्यूम बैग से निकालते नीचे गिर जाता है। फिलिप इस पर बहुत डिसअपॉइंट होता है। आज के दिन वो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनकर वॉक करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो वॉक करने का डिसीजन लेता है। फिलिप के वॉक स्टार्ट करते उसे बस रोप दिखाई दे रहा है और बाकी सब धुंधला दिखाई देता है। उसे न्यूयॉर्क सिटी नहीं दिखाई दे रही, बस एक रोप दिख रहा है जो कहीं खत्म नहीं हो रहा। फिलिप के दोस्त उसे वायर पर चलता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैरी लोगों को ऊपर वायर वॉकर को देखने को कहती है। बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नॉर्थ टावर तक पहुंचकर फिलिप बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा है। उसे कुछ देर बाद है उसे वापस साउथ टावर तक वॉक करना चाहिए और वो वॉक स्टार्ट कर देता है। फिलिप बहुत थैंकफुल है। वो एक घुटने पर झुककर वायर टार और न्यूयॉर्क को सैल्यूट करता है। अब दो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। फिलिप उनको देखकर रोप पर ही टर्न ले लेता है और नॉर्थ टावर की तरफ वापस चल पड़ता है। अब नॉर्थ टावर पर भी पुलिस वाले आ जाते हैं। फिलिप अपनी वॉक कंटिन्यू करता है। कभी वो रोप पर बैठ जाता है, कभी रोप पर लेट जाता है। पुलिस हेलीकॉप्टर पर आकर उसे वॉक रोकने को कहती है। जेफ उसे बताता है कि ये लोग कैसे भी करके उसे रोकने वाले हैं, रोप को काट भी सकते हैं। फिलिप कॉन्फिडेंटली वायर वॉक खत्म कर देता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वैन तक जाते रास्ते में सारे कंस्ट्रक्टर वर्कर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर भी उसकी प्रेज करता है, वो बहुत ब्रेव है। नीचे खड़े न्यूयॉर्क के लोग भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हैं। जज भी फिलिप को फिर से वायर वॉक करने को कहता है, लेकिन एक सेंट्रल पार्क में जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिलिप सब न्यूयॉर्क में रहने लगता है। एनी और बाकी फ्रेंड्स फ्रांस वापस चले जाते हैं। ये मूवी बहुत अच्छा मैसेज देती है। हार्ड वर्क, प्लानिंग और जीतने की चाह के साथ इंसान इम्पॉसिबल काम भी कर सकता है। फिलिप ने मूवी में अपनी गलतियों से सीखा, एक अच्छी टीम बनाई, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने पर भी पीछे नहीं हटा। मूवी में फिलिप दोस्तों का भी शुक्रिया करता दिखाई दिया। मूवी के लास्ट सीन में टावर मैनेजर फिलिप को टावर पर आने जाने के लिए फ्री पास बना देता है और एक्सपायरी डेट में लिख देता है फॉरएवर, मतलब वो हमेशा इन टास्क पर आ पाएगा। मूवी में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मूवी देखने वालों को 9/11 याद आ गया होगा, कैसे 16 टेररिस्ट्स ने 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक करके इन ट्विन टास्क को खत्म कर दिया था।